हम अपनी वीडियो डालते हैं तो उसमें व्यूज़ नहीं आते हैं। तो दोस्तों मैं बताऊं आपको कि एकदम वीडियो डालें, क्योंकि आप नया चैनल बनाओ एकदम मतलब कि ग्रोथ नहीं कर सकता, क्योंकि पहले आपको उस चैनल पे मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आप अगर अच्छी तरीके से करोगे तभी आपके चैनल की शायद कोई ऐसी वीडियो एकदम आपकी वायरल हो जाए। तो दोस्तों ऐसे हमारे भी मतलब कि चैनल पे व्यूज़ नहीं मतलब कम पहले कम आते थे, अब धीरे धीरे मतलब कि ग्रो होने लगती है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है एकदम आप मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज हमारा ब्लॉग, तो इस ब्लॉग में आपको बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है, तो आप ब्लॉग को पूरा देखना जिससे आपको समझ में आएगा कि जो न्यू क्रिएटर होते हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है वीडियो बनाने में। तो दोस्तों आज पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मतलब कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या नाम है और कैसे क्या। तो दोस्तों मेरा नाम है सूरज और मैं फर्रुखाबाद ज़िले में कायमगंज में रहने वाला हूँ। तो दोस्तों ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मेरी सेकंड या थर्ड मतलब कितनी मान सकते हो। तो दोस्तों क्योंकि न्यू क्रिएटर जो होते हैं, कि सबको पता है कि न्यू क्रिएटर को बहुत दिक्कत मतलब बोलने में भी दिक्कत होती है, हर काम में दिक्कत होती है। तो दोस्तों उन मतलब कि ब्लॉग बनाते टाइम पे बहुत से लोग ताना भी मारते हैं, मतलब हर तरीके से हर कुछ मतलब बोलते भी हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान ना देकर आप अपने वीडियो की तरफ ध्यान दें, क्योंकि अगर आप अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा जब ही कर पाएंगे जब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। तो दोस्तों अपने अगर काम पे तरफ ध्यान दोगे तभी आप आगे चल के सक्सेसफुल हो सकते हो। हर किसी का मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन यही रहता है कि हम अपनी वीडियो डालते हैं तो उसमें व्यूज़ नहीं आते हैं। तो दोस्तों मैं बताऊँ आपको कि एकदम वीडियो डालें, क्योंकि आप नया चैनल बनाओ एकदम मतलब कि ग्रोथ नहीं कर सकता, क्योंकि पहले आपको उस चैनल पे मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आप अगर अच्छी तरीके से करोगे तभी आपके चैनल की शायद कोई ऐसी वीडियो एकदम आपकी वायरल हो जाए। तो दोस्तों ऐसे हमारे भी मतलब कि चैनल पे व्यूज़ नहीं मतलब कम पहले कम आते थे, अब धीरे धीरे मतलब कि ग्रो होने लगती है। तो धीरे धीरे मतलब कि हर किसी की वीडियो पर ग्रो होगी, क्योंकि अगर आप चाहते हैं एकदम कोई चीज़ को एकदम आप ऊँचे तक नहीं पहुंचा सकते, आप जब मेहनत उस चीज़ पे करोगे तभी आपकी धीरे धीरे मतलब कि ग्रो होगी। क्योंकि इस पे वीडियो बनाते बनाते आपको साल दो साल महीने छः महीने, या अगर अच्छी आप अगर कंटेंट पे वीडियो बनाते हैं, आई कॉन्टेंट अगर अच्छा बढ़िया अपना रखते हो तो जल्दी भी वायरल हो सकती है। तो दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ ज़्यादातर ध्यान रखें, क्योंकि देखो अभी मैं आप मतलब कि जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो अपने खेत पे कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है गांव में अगर वीडियो शूट करते हैं तो बहुत सारे लोग इधर से उधर मतलब कहते हैं बताओ ये क्या कर रहा है ये क्या नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ मैंने ना ध्यान देकर हम अपनी वीडियो यहाँ पर शूट कर रहे हैं, और हमारे साथ जो है क्यूट से बच्चे हैं साथ में, जो आपने देखा होगा वीडियो और वीडियो जो इन्होंने मतलब कि शूट की थी। तो ये ब्लॉग हम इसलिए यहाँ पर शूट कर रहे हैं खेत पर, क्योंकि यहाँ पर एकांत जगह है जिससे हमें एकदम शूट करने में कम्फर्टेबल और सही लग रहा है। तो दोस्तों मैं ये कहता हूँ जो भी न्यू क्रिएटर हैं वो अपने काम की तरफ ध्यान दें और मेहनत करें, अपनी वीडियो की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि फोकस बनाएं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बनाएंगे तो तभी आप अपनी वीडियो पे ग्रो पा सकते हैं, ग्रोथ तभी अगर आपकी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आज वीडियो डाली और कल एकदम वायरल हो जाए, ऐसा कुछ भी दोस्तों नहीं है, क्योंकि इस पर आपको महीने छः महीने लग सकते हैं। तो आपको इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिएगा। सबसे पहले आपको बोलना, अगर आप अच्छा बोलते हैं, अपनी क्वालिटी वॉइस आपकी अच्छी है, रिकॉर्ड करने का आपका अच्छा बढ़िया है तरीका, तभी आपकी वीडियो मतलब कि वायरल हो जाएगी। अगर आप, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं अपने चैनल की जो होती है सेटिंग नहीं करते हैं और वीडियो एकदम खोला मतलब चैनल खोला और वीडियो डालना स्टार्ट कर देते हैं, तो दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती होती है। और आप इस पे मतलब कि आप वीडियो बिल्कुल ही आपकी ग्रो नहीं होने वाली है। अगर आप मान लो अगर किसी और के फ़ोन से फ़ोन पकड़ पकड़ के अगर आप अपने 1K सब्सक्राइब कर भी लेते हैं तो आप व्यूज़ कहाँ से लाएंगे? अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो आपके बिल्कुल भी डॉलर बनने वाला नहीं है। तो दोस्तों आप अपनी सिर्फ मेहनत पे ध्यान दीजिएगा, कि कहते हैं ना मेहनत करो फल की इच्छा ना करो, क्योंकि मेहनत, अगर आपकी मेहनत बढ़िया होगी तो फल आपको ज़रूर ही मिलेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि अपनी वीडियो की तरफ ध्यान देना है, किस तरीके से हमें वीडियो शूट करनी है, किस तरीके से वीडियो नहीं शूट करनी है, और वीडियो को हर एक एंगल से शूट करो जिससे आपको मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ग्रो हो, मतलब और वो शूट करो कि आपके ऑडियंस क्या चाहते हैं, जो आपके ऑडियंस चाहते हैं। क्योंकि आप जितने भी हमारे ऑडियंस देख रहे हैं उनसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई भी अगर क्रिएटर न्यू बनता है तो वो पहले अपने वीडियो की तरफ ध्यान दे और बोलने से हर चीज़ पे ध्यान दे, जिससे कि अगर आपकी जो वीडियो है वो वायरल होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहें। और अपने जितने भी यूट्यूब पे अपनी चैनल की सेटिंग है वो सारी कर लें, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं मतलब कोई कहता है कि शॉर्ट करो कोई लॉन्ग करो, तो हमारे हिसाब से हम आपको बताएं लॉन्ग चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट जल्दी वायरल होता है बट शॉर्ट वीडियो पे आपका डॉलर बहुत ही कम बनता है। लॉन्ग चैनल पे आपको बहुत ही मतलब कि डॉलर भी अच्छा बनता है, पैसा भी अच्छा बनता है, बट थोड़ा टाइम लेता है बट उसमें पैसा अच्छा खासा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हम यही जानकारी देने आए कि जो भी मतलब कि, क्योंकि मोटिवेशनल थोड़ा करने आपको आए थे,
क्योंकि आपके मानो हर किसी का न्यू क्रिएटर का मतलब कि जो मोटिवेशन होता है वो कम हो जाता है। तो भाई हम आपको बढ़ाने के लिए इस वीडियो में आए थे कि जिससे कि देखो कोई घबराना नहीं, अगर आपके व्यूज़ नहीं आ रहे तो उसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वीडियो शूट करते रहना है, क्योंकि एक दो वीडियो डालने से आपका कुछ नहीं होने वाला। लगातार डेली एक वीडियो अपलोड कीजिएगा जिससे आपकी जल्दी वायरल होने के चांस रहे। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें मतलब हमारी वीडियो कौन शूट कर रहा है। तो आपको देखो दिखाता हूँ, इधर लाओ। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इधर, कि हमारा वीडियो कौन शूट कर रहा है। आ जाओ इधर, देखो ये छोटे छोटे क्यूट से बच्चे हैं, ये हमारी वीडियो शूट कर रहे थे। इनको देख सकते हैं, ये आपने वीडियो में देखा भी होगा। हेलो करो। हेलो। तो ये मतलब कि हैं जो हमारी वीडियो शूट कर रहे थे। तो दोस्तों आपको, क्योंकि ये हमारे साथ काम करते हैं और अभी हम अपने खेत पे हैं, तो आपको शायद इस वीडियो से आपको बहुत मोटिवेशनल मिला होगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बढ़िया से काम करना है। अगर वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।